यह मातम सदा रहे और इसे सिवा रहे। बीबी की इस दुनिया में जो आमद है वो 175 हिजरी में है, 175 हिजरी में। 201 हिजरी में मामून ने अमीरुल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती मदीना से रे में बुलवाया, जहां पर ज़बरदस्ती उनको वली अहदी दी गई 201 में, 201 हिजरी में। 202 हिजरी में बाज़ रिवायात के मुताबिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, और बाज़ के मुताबिक इस तरह से कि बीवी खुद से उनमें यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने भाई की ज़्यारत के लिए शहर रे की तरफ जाएँ और वहाँ पर सफ़र करें। जब दोनों सूरतों में बीबी ने चंद बनी हाशिम के जवानों को साथ लिया और साथ लेकर रे की जानेब सफ़र करना शुरू किया, सफ़र का आगाज़ किया। 80 किलोमीटर दूर यानी पहले एक जगह है जिसका नाम है सावे, सावा वैसे उस जगह का नाम है लेकिन ईरानी उसको सावे बोलते हैं। सावा में कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो दुश्मनान अहले बैत में से हैं। उनको जब ये पता चला कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पुत्र हैं और ये सारा खानवादा जो है, ये सारा ख़ानदान जो है वो अहले बैत अथार का ख़ानदान है, तो उन्होंने उस लश्कर के ऊपर, उस काफ़िले के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के नतीजे में उनके तकरीबन जितने भी मर्द थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि बीवी चंद बीवियों के साथ जब वहाँ से दोबारा चली हैं, जब वो काफ़िला जिसको मिसाल कत्ल कर दिया गया और जब वहाँ से चली हैं तो बताया गया कि पास ही एक मंतका है, एक इलाका है कुम के नाम से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुम से आपका मेज़बान फ़ारूक़ अब्बास। इस वक्त मैं चहल अख्तरान में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप ज़ियारत कीजिए, हैदर टीवी के साथ रहिए। नाज़रीन, ये हैदर टीवी के स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं इमाम अलजवाद, ये बेटे हैं मुझे मौला जवाद के, जिनका ये रोज़ा है। हैदर टीवी पे आप लोग, हैदर टीवी के स्क्रीन पे आप ये तमाम मनाज़िर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त टोरंटो के तमाम ज़ायरीन मस्जिद जमकरान पहुँचे हैं, हैदर टीवी पे आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। मस्जिद जमकरान इस वक्त तमाम ज़ायरीन यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी आपको अंदर चल के मज़ीद ज़्यादा कराते हैं। हैदर टीवी के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मस्जिद जमकरान आप लोग देख सकते हैं हैदर टीवी के स्क्रीन पे। इस वक्त तमाम टोरंटो के ज़ायरीन जो हैं वो मस्जिद जमकरान में नमाज अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप मस्जिद जमकरान के मनाज़िर देख रहे हैं। इस वक्त टोरंटो के तमाम ज़ायरीन जो हैं वो मस्जिद जमकरान में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं मस्जिद जमकरान। इस वक्त तमाम ज़ायरीन ईरान में मौजूद हैं और ये मस्जिद जमकरान आप अपने हैदर टीवी के स्क्रीन पे देख सकते हैं। हैदर टीवी के साथ रहिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, हैदर टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त आप रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन के मनाज़िर देख रहे हैं। रोज़े के सहन के फर्रुख अब्बास के साथ रहिए। हैदर टीवी पे हमारे साथ ज़्यारतों में शरीक रहिए।
तुम न ढाए उम्मत ने हम पे भाई। हैदर टीवी के स्क्रीन पे जो मनाजिर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहां से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने अस्हाब के साथ गुज़र रहे थे। रिवायत के मुताबिक अस्हाब ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैदानी इलाका था और हर तरफ रेती रेत थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से रेत को एक तरफ हटाया तो वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा और तमाम अस्हाब ने और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वहाँ वज़ू किया। जिस पत्थर पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, उस पत्थर पर मौला के पाए मुबारक के निशान आया हो गए और वो पत्थर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिसकी ज़्यारत हम आपको हैदर टीवी के स्क्रीन पे करा रहे हैं। और ये से सिवा रहे